हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आपका अमरज्योति क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, जो क्लास 10th के चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 में फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.1, उसके में सवाल को लेके आया हूँ। वो तुम्हें सवाल आज बताया जाएगा। इससे पहले ये चार वीडियो में मैं तुम्हें त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन सब के बारे में पहले बता चुका हूँ। आज से हम सवाल निकाल लेंगे, शुरू करेंगे कि अब इसके सवाल कैसे निकाले जाएंगे। आइए हम देखते हैं ये सवाल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो समकोण है उसे पर रख देंगे बी, बाकी ए और सी कहीं लिख दूँ, इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस ध्यान रखना है कि जो समकोण है, 90 डिग्री कोण होगा, उसके सामने जो भी भुजा होगी वो भुजा कर्ण होगी। बाकी जहाँ से हम काउंटिंग करें, अगर यहाँ से लेंगे एक ही वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने भुजा लंब होगी, अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। लंब चेंज हो सकता है, मान लीजिए साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, बी सी भुजा हो जाएगी लंब। अगर साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के लिए ए भी लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और कर्ण हमेशा यही बना रहेगा। अब जो भुजाओं की लंबाई दी हुई है ए बी इक्वल टू 24 दे रखा है और बी सी इक्वल टू दे रखा है 7। अब सबसे पहले हम कर्ण जो है उसे निकालेंगे, जबकि मैंने तो पहले बता दिया है कि पाइथागोरियन सूत्र, पाइथागोरियस जो गणितज्ञ हैं उन्होंने पाइथागोरियस प्रमेय बताई है, और पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने बताया है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब बड़ी भुजा ये तुम्हें क्या करनी है, तो और देखिए अगर कर्ण बराबर लिखेंगे ये आएगा, कर्ण लिख दो या फिर इसे हम ए सी लिख सकते हैं, भुजा ए सी है। अब क्या करेंगे, लंब लंब या हम उसे भुजा ए बी लिख दें, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि आप लंब, अगर हम ए पे काउंटिंग करेंगे तो लंब बसते 7 होगा, अगर सी पे करेंगे तो 24 होगा, लेकिन इस भुजा को निकालने के लिए इसे पहले किसी को पहले लिख लें या पीछे लिख लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ए बी स्क्वायर, ए बी होगा तुम्हारा 24 प्लस के बी सी मतलब 7 स्क्वायर। अब ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 576 प्लस के 7 का स्क्वायर होगा 49। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 625 और इसमें से बाहर निकल आएगा 25। तो जो हमारा कर्ण सबसे बड़ी भुजा है वो होगी कितनी, 25। अब तुम्हें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ये बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए, साइन ए बराबर क्या बताया था मैंने पहले वीडियो में, तो बताया था कि साइन ए इक्वल टू होता है क्या, लाल बटे का कॉस, मैंने सूत्र बताया था। इससे पहली जो होते हैं एल बटे के, ये होता है साइन इक्वल टू। अब इसमें साइन इक्वल टू क्या होगा, साइन इक्वल टू होगा एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। अब अगर ए पर ले रहे हैं तो ए के लिए लंब क्या हुआ, 7, तो 7 बटे कर्ण के कारण हमारा 25 है, कर्ण तो यही रहना है, कर्ण में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, होना किस में, लंब और आधार में। अब लंब यहाँ पर जब ए पर ले रखा है तो लंब 7 होगा, आधार 24 होगा और कर्ण हो जाएगा 25। अब तो साइन इक्वल टू कितना आया, साइन की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7/25।
अब दूसरी वाली कुछ निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है, तो कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ए बटे के मीन्स आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण तो आधार क्या है हमारा 24, तो 24/25 ये जाएगा कॉस इक्वल टू। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड क्या दे रखा है पार्ट में, इसके में ये पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बात करनी है, तो साइन सी इक्वल टू, अब जो साइन सी निकालेंगे तो साइन सी में थीटा काउंटिंग करेंगे यहां से, तो उसी यहां पर है, तो जब यहां से करेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये, अब यहां पर लंब ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण होगा। मैंने तो पता था पहले भी कि जहां से काउंटिंग करेंगे, अगर सी से कर रहे हैं, सी से ले रहे हैं साइन सी, तो साइन सी के इक्वल टू होगा लंब, ये साइन सी की काउंटिंग करने पर सी से लंब ये हो जाएगा। अब क्या है, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा इसमें 24/25 लंबा टेकर। इसी प्रकार अब क्या है, कोसी है, कोसी में क्या निकलेगा, कोसी कोल कोस कोल क्या है आधार बटे कर्ण, तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 7, तो 7/25 कोसी कोल क्या जाएगा 7/25। तो इस तरह से ही आप आसानी से साइन कॉस टेन, अगर आगे भी मान निकालना है तो उसके दो ही पूछे हैं इसमें, कॉस ए साइन ए कॉस सी ए, और साइन सी और कॉस सी, दो ही वैल्यू पूछी थी। अगर ऐसा होता है कि आगे वैल्यू पूछ ली जाती है, इनके अलावा एग्जाम में अगर कोई और वैल्यू पूछ लेता है कि टेन ए की निकालो टेन सी की निकालो, तो इसी तरह से इस सूत्र के माध्यम से, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था ये सूत्र कि ये पहला जो ये साइन के लिए है, ये जो सेकेंड है ये टेन के लिए है, और ये थर्ड सॉरी ये कोस के लिए है, और ये टेन के लिए, तो साइन के लिए कोस के लिए टेन के लिए, आगे इतने में निकालोगे इसका उल्टा विपरीत कर दोगे, क्योंकि तो टेन कोट के निकालोगे तो 1/10 हो जाएगा, और अगर सेक की निकालोगे तो 1/cos हो जाएगा, और कोसेक की निकालोगे तो 1/sin हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इनके अलावा भी एग्जाम में और तीनों के मान पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार आप उन तीनों के भी मान निकाल सकते हो। तो अब मैं अगली वीडियो में और आगे सवाल लेके आऊँगा, और इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बस करें, और चैनल को सब्सक्राइब बस करें। धन्यवाद।